जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं कि फिजिक्स के एक नए टॉपिक कैपेसिटर माने संधारित्र की। तो हर एक चीज का अपना एक कैपेसिटी होता है। जैसे एक ग्लास आप पानी वाटर लिए हैं, एक ग्लास में वाटर लिए हैं तो एक ग्लास वाटर से ज्यादा आप नहीं ले सकते। इसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो वायर होते हैं उनकी कैपेसिटी होती है चार्ज को होल्ड करने की, माने आवेश को रोकने की। उसी आवेश को बढ़ाने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, संधारित्र का, जिसका सिंबल क्या है ये, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। आपने इसे ट्रांजिस्टर या रेडियो में देखा होगा कैपेसिटर का इमेज, असली कैपेसिटर को। जो कंडेंसर होता है पंखे में फैन में लगा हुआ, वहाँ क्या किसका काम करता है, कैपेसिटर का। कैपेसिटर क्या करता है, आवेश को रोकने का काम करता है। जैसे देखिए कंडेंसर को, जो कंडेंसर जब हम लोग लगाते हैं तो आवेश को स्टोर करके रख लेता है। जैसे ही लाइन आई उस चलने लगा और बहुत जोर चलने लगेगा, तब क्या हो गया, कैपेसिटर संधारित्र। और इसका सिंबल आप लोग इसमें इमेज में देख रहे होंगे, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोग भी निकाल सकते हैं, सी बराबर क्यू बाई वी। देखिए कैपेसिटर बराबर चार्ज अपान वोल्ट, चार्ज अपान वोल्ट, तो चार्ज का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम, और वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट, इसको हम क्या कर सकते हैं, कूलम पर वोल्ट को फैराडे। अब फैराडे बहुत बड़ी वैल्यू है, इसलिए कैपेसिटर में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, माइक्रो फैराडे। इसका प्रयोग करते हैं माइक्रो फैराडे। अब देखिए जो कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस है उसको किस से कैसे यहाँ फॉर्मूला बना है, तो जो क्यू मतलब जो चार्ज होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के, जो चार्ज होता है वह वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो चार्ज भी बढ़ेगा। अब इस कॉन्स्टेंट को हटाएंगे और बीच में क्या आ जाएगा, सी सी वी। अब इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्यू बाई वी बराबर सी। देखिए ये फार्मूला यहीं से, ये फार्मूला यहीं से आया है। अब हम लोग बात करते हैं कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल में कैसे होता है। तो आप लोग देखिए इसे हम इरेज कर देते हैं। कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन, सबसे पहले कैपेसिटर क्या होता है, हमने आपको बताया कि जो आवेश को रोकने की क्षमता को बढ़ाता है उसे कैपेसिटर कहते हैं। मतलब जो कैपेसिटी ऑफ होल्ड टू चार्ज, चार्ज को वायर में होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ाता है उसी को हम कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर जो होता है वह टू मेटालिक रॉड का बनता है। तो यह सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन का जो सेकेंड मेटालिक रॉड है वह पहले मेटालिक रॉड के फर्स्ट से जुड़ा होता है। इसी प्रकार आप और भी लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो चार्ज होता है वह सेम होता है, इसमें जो चार्ज होता है क्यू मतलब जो होता है तीनों में सेम रहता है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वहाँ अलग अलग रहता है। तो वी वन वी टू, लेकिन जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो इक्वल होगा वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, मतलब वी बराबर वी वन प्लस वी टू, ऐसे डॉट 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 वी एन तक हम इसे कर सकते हैं। मतलब क्या समझे आप लोग, कि जो चार्ज है वह तीनों दोनों कैपेसिटर में बराबर है, लेकिन जो दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होगा वह पूरे का एवरेज होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो वी वन के स्थान पर हम क्या लग सकते हैं, तो वी वन बराबर क्या होता है, क्यू सी। वी वन बराबर सी बराबर होता है क्यू बाई वी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इसे ये कर दें तो क्या हो जाएगा, वी बराबर क्यू बाई सी, ठीक है, क्यू बाई सी। तो कैपेसिटर ये वन है, ये कैपेसिटर टू है, तो अगर हम यहाँ रखेंगे तो क्यू अपान सी वन प्लस क्यू अपान सी टू, ऐसे ऐसे कर क्यू अपान सी वन बराबर वी बराबर क्या हमने लिखा है, क्यू बाई सी। तो हम यहाँ वी बराबर क्यू बाई सी लिख देंगे। अब इसमें दोनों में क्यू है तो क्यू हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, वन अपान सी वन प्लस वन अपान सी टू, ऐसे डॉट 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 वन अपान सी एन, ठीक है। क्यू तीनों में है तो तीनों कॉमन ले लेंगे, और यहाँ क्यू बाई सी, तो क्यू क्यू से कट गया। तो इसका फार्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, वन अपान सी प्लस वन अपान सी वन प्लस वन अपान सी टू, यह है सीरीज कॉम्बिनेशन फार्मूला। और ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वी होता है वह इक्वल होता है और जो चार्ज होता है वह पूरे कैपेसिटर को चार्ज के सम के इक्वल होता है, और जो वी होता है वह तीनों में इक्वल होता है। अब इसे इरेज करके हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में देखते हैं। तो अब हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समानांतर क्रम। समानांतर क्रम में क्या होता है, जो चार्ज है वह सोर्स ऑफ एनर्जी माने जो चार्ज का स्रोत है वह यहाँ से जाता है, चार्ज जो है वह डिस्ट्रीब्यूट बढ़ जाता है क्यू वन क्यू टू और क्यू थ्री में, लेकिन जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वह सेम होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम होता है और सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग डिफरेंट होता है।
उसमें उसमें उसका उल्टा होता है। क्या सीरीज में हमने क्या बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह क्या है बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह अलग अलग है, डिफरेंट है, लेकिन जो चार्ज है वहाँ सेम है। और इसमें क्या है कि जो चार्ज है वहाँ अलग अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो टोटल चार्ज जो होगा वो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री के बराबर होगा। तो हमने लिखा क्यू बराबर क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री, तो क्या हम लिख लेंगे क्यू बराबर क्या होता है सी वी, हमने इस फॉर्मूले से निकाला है सी बराबर क्यू बाई वी सी, क्यू बराबर क्या हो जाएगा क्यू बराबर सी वी। तो क्यू वन के लिए हम क्या लिखेंगे सी वन वी, क्यू टू के लिए क्या लिखेंगे सी टू वी, क्यू थ्री के लिए सी थ्री वी। देखिए वी तीनों में समान है, वी माने तीनों कैपेसिटर में इक्वल है, तो हम वी को कॉमन ले सकते हैं। तो वी को हमने कॉमन लिया तो क्या जाएगा सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, और इधर क्या जाएगा सी वी। अब वी वी इधर भी है तो वी इधर वी से भी कैंसिल, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सी सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। अब जैसे ही कोई अगर मान लिया रहता कि 4 माइक्रोफेराड 5 माइक्रोफेराड और 6 माइक्रोफेराड, तो इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू में लिख कर लिख लेते हैं, जैसे सी बराबर सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, तो हम इसका मान रख देंगे सी वन का मान 4 माइक्रोफेराड, इसका 5, इसका 6, तो 4 5 6 4 5 9 9 6 15, तो 15 माइक्रो फैराड इसका उत्तर कैपेसिटर पे क्या जाता है 15 माइक्रो फैराड। इसी प्रकार सीरीज कॉम्बिनेशन का यदि दिया रहता, अगर 2 माइक्रो फैराड दिया रहता और दूसरे का 4 माइक्रो फैराड दिया रहता, तो हम उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाते, तो उसमें लगाते 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो सी वन बराबर क्या दिया है 2 माइक्रो फैराड, सी टू बराबर 4 माइक्रो फैराड, तो 1 अपॉन C1 बराबर 1 अपॉन 2, यहाँ लिखते 1 अपॉन 4। अब 2 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो 4 आ जाएगा। अब इसका इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 2, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना तो आपको आता ही होगा, 4 का इसमें करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो 1 4 बराबर 1। देखिए 2 का हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 अंदर 2, 4 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1 का हम इसमें करेंगे तो 3 बाई 4, तो कैपेसिटर का मान आ गया कितना 4 बाई 3। देखिए कैपेसिटर उल्टा है इसलिए कैपेसिटर का मान ऐसे निकालते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो कैपेसिटर है इसका एक अगला टॉपिक, एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि इसके बीच में हम इनफाइनाइट स्लैब रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इंसुलेटर रख देंगे क्या हो जाएगा, कैपेसिटर रख देंगे क्या हो जाएगा, तो यही सब हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्मूला होता है सी बराबर एप्सिलॉन ए बाई डी। इससे आप क्या समझ रहे हैं कि यदि हम ये है क्या डी, अब यहाँ पूरा क्या है पूरा एरिया, तो यदि हम एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एरिया यदि हम बढ़ाएं तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर भी बढ़ेगा। देखिए यह इसमें डायरेक्टली दो क्वेश्चन दिख रहा है, यदि हम डी को बढ़ाएं तो इनवर्सली प्रोपोर्शन है 1 अपॉन C के, माने यदि हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटर जो है वहाँ घटेगा, और यदि हम एरिया को बढ़ाएं तो वह बढ़ेगा। एप्सिलॉन में क्या है परमिटिविटी कॉन्स्टेंट है, स्पेसिफिक परमिटिविटी। अब यदि हम इसमें कोई छड़ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो रख देंगे टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो क्या हो जाएगा सी बराबर एप्सिलॉन ए डी माइनस टी प्लस टी अपान के, यहाँ नया फार्मूला बन जाएगा। यदि हम कोई स्लैब रखेंगे तो, यदि नहीं रखेंगे तो इसका फॉर्मूला ही होगा। तो आप लोग इतना ध्यान रखिए कि जो एरिया है इसे बढ़ाने से कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस बढ़ जाता है और डिस्टेंस को बढ़ाने से वो घट जाता है, ठीक है। तो हम लोग इस फॉर्मूला को भी याद देख लेते हैं, जो होता है कैपेसिटर बराबर क्यू वाई बी। यदि हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो कैपेसिटर को घट जाएगा, करंट बढ़ाएंगे तो कैपेसिटर बढ़ेगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।